आज के इस वीडियो में फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट यहाँ पे किसी भी ईयर इंटर मैट्रिक पास किए हुए हैं फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न से, तो आपको किस तरीके से अपना ऑनलाइन आवेदन करना है और कैसे अपना जो कि ये आप 2023 में ही पास किए हैं तो किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और पूरा हम जैसे कि पेमेंट डिटेल दिखाने वाला, आपको पेंडिंग में भी दिखाना है डिटेल दिखाने वाले हैं, तो सारा डिटेल आपको हम दिखाने वाले हैं। तो ये आपका अभी तक पेमेंट भी नहीं आया है तो किस तरीके से आपको अपना चेक करना है सारा वीडियो हम देख सकते हैं। यहाँ पे 2019, 20, 21, 22 यानी कि 23 भी वहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है, तो 23 का किस तरीके से आपको करना है चलिए हम फुल प्रोसेस के साथ आपको बताते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2023 वाले पे क्लिक कर दिया है, सिंपल से यहाँ पे थोड़ा लोड होने में यहाँ पे टाइम लग रहा है तो लोड होने दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पे वेबसाइट ओपन होकर के आएगा, सिंपल से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं आवश्यक सूचना भी आया है कि आवश्यक सूचना सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार खाता से सीडेट डीबीटी के लिए नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेट नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो आपको सिंपल से आपको जाना है बैंक, वहाँ से आपको सीडेट करा लेना है और सारा डिटेल भी दिया गया है तो आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी पेमेंट। तो जिनका पेमेंट आ गया है आप यहां से चेक कर सकते हो, 2023 वाला का भी पेमेंट आया है। तो यदि आपका सब कुछ सही रहेगा तो आपको पेमेंट 110% आएगा। और यहां पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज एप्लीकेशन फाइनलाइजेशन इन पेंडिंग, तो जो पेंडिंग है जिनका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है तो जिसका भी पेंडिंग है स्टूडेंट लिस्ट और पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, और जो स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं और आपका पेमेंट आ जाएगा। देख सकते हैं पेमेंट डन स्टूडेंट लिस्ट, तो जिसका जिसका पेमेंट आ गया है सारा यहाँ पे लिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। चेक योर नेम इन द लिस्ट, यानी कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है पहले चेक कर लीजिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इंटर मैट्रिक जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, ये 2023 के लिए हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया, तो आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं 2010वीं पास के लिए भी है, तो सारा डिटेल्स आप यहाँ से भी चेक कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा डिटेल्स में बताने की कोशिश किया हूँ, पेमेंट डिटेल भी कौन सा लिस्ट से चेक होगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेक कर पाएंगे। और चलिए थोड़ा बैक लेकर चलते हैं हम आपको और बताते हैं कि किस तरीके से आपको अकाउंट नंबर से आपका या आधार नंबर से आपका पेमेंट चेक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आप यहाँ से अपना जैसे कि आधार नंबर अकाउंट नंबर से भी यहाँ पे आपका चेक कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, यदि पैसा आया है कि नहीं है यहाँ से भी आप चेक कर पाएंगे। तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप इसी प्रकार से चेक कर पाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन भी नया ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं आप, जैसे कि सारा यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल दिया गया है, ये समाज कल्याण विभाग के लिए भी है, तो यहाँ से जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पे भर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वहाँ से फॉर्म आप भर सकते हैं इस तरीके से। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।